डियर स्टूडेंट्स, चलिए आपको हम आज वेबसाइट पे लॉगिन करने का तरीका सिखाते हैं। राधा गोविंद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आईडी कार्ड डाउनलोड करने का। सबसे पहले तो आप गूगल में जाकर राधा गोविंद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें। जैसे ही आप राधा गोविंद यूनिवर्सिटी टाइप करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा। राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ कॉर्नर में जो तीन लाइनें दिख रही हैं, इसको क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इस ऑप्शन में हमको स्टूडेंट कॉर्नर पे जाना है। इस ऑप्शन पे यहाँ पे तीर वाले के पास क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा बहुत सारा ऑप्शन आ गया। फिर हम ये स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हम स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने लिख के आ जाएगा इंटर योर एडमिशन नंबर। तो हमें अपना यहाँ एडमिशन नंबर डालना है जो आपको दिया गया है। एडमिशन नंबर जितना दिया गया है और जैसे दिया गया है सेम टू सेम डालना है। उसमें कहीं से भी अपनी तरफ से कुछ आपको बदलाव नहीं करना है। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट का एडमिशन नंबर डाल रहा हूँ, देखिए B.A, ठीक है, स्लैश हिस्ट्री HIS लिखा है उसके एडमिशन नंबर में, फिर 33 लिखा हुआ है, फिर तिरछी डाणी के साथ 2021 लिखा हुआ। यानी आपको जो भी आपका एडमिशन नंबर है, BSc है तो यहाँ BSc, यहाँ सब्जेक्ट में मतलब एडमिशन नंबर जैसे दिया है सेम टू सेम डाल देना है। उसमें कहीं से भी स्मॉल लेटर या एक भी पॉइंट या ये तिरछी डाणी आप छोड़ देंगे या स्पेस डालेंगे, आपका लॉगिन नहीं होगा। यानी एडमिशन नंबर जैसे दिया गया है सेम टू सेम डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें कहीं से कुछ छोड़ना जोड़ना नहीं है। आगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है अपना। जैसे इस स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 2003, तो 2003 यहाँ पर देखिए। सबसे पहले यहाँ पर ईयर में हम 2003 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने 2003 सेलेक्ट किया, फिर ये मार्च यहाँ पे आया हुआ है। अगर मार्च नहीं मतलब आपको जो मंथ चाहिए यहाँ आगे पीछे कर सकते हैं। और मार्च में हमको 12 सेलेक्ट करना है, 12 मार्च 2003 सेट आ गया, 12 मार्च 2003। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट का डिटेल्स खुलेगा। राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट का नाम है कृष्णा कुमार बैठा, रोल नंबर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडमिशन नंबर, कोर्स नेम, सेशन, डेट ऑफ बर्थ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अभी जो नए एडमिशन नंबर आपके आए हैं, मैंने अभी जो ग्रुप में भेजा है उसमें आपको फ़ोटो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि फ़ोटो जो है कि बाद में अपलोड होगा। यहाँ पर प्रिंट आईडी कार्ड का ऑप्शन है, हम यहाँ पे जाएंगे और प्रिंट आईडी कार्ड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आईडी कार्ड